ओ भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपन बात करेंगे जो एशियन स्टेट एंड पुर्तगाल का आज के दिन का यहाँ पर पहला मैच होगा जो खेला जाएगा फाइटर सीसी और मल्लो के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको डेप्थ एनालिसिस करके दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक पूरा वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको फाइनल टीम, न्यू प्लेयर्स के स्टैट्स, ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा आप कमेंट सेक्शन में जाओगे जहाँ पर आप कमेंट करते हो, तो वहाँ पर जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बात करेंगे इस मुकाबले के बारे में, तो ये जो मुकाबला है 1 बजे स्टार्ट होगा, सेम ग्राउंड पर मैच खेला जाएगा। आर्टिफिशियल विकेट है, मतलब जो मैट वाला विकेट है वही विकेट है, तो पिच का बिहेवियर सेम ही रहेगा। एवरेज स्कोर 100 से 120 देखने को मिल जाएगा। 45 मुकाबले यहाँ पर हो चुके हैं, 23 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 22 में चेज हुआ है, मतलब टॉस का कोई खास इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं रहता है। अब देखो, पहले बात करेंगे फाइटर की टीम की, तो फाइटर की जो टीम है लास्ट के 6 मुकाबलों में से 4 जीती हैं, 2 हारी हैं। अब जो इनका बिल्कुल लास्ट वाला मुकाबला हुआ ना, वहाँ पर इनकी तरफ से ओपन किया था दलविंदर सिंह और बलजिंदर राम ने। उससे पहले यहाँ पर ओपन कर रहे थे परविंदर सिंह और वरिंदर वीरक, तो ज़्यादा चांस ये हैं कि ये दोनों ओपन करें, लेकिन लास्ट मैच में इन दोनों ने ओपन किया था। दलविंदर सिंह की बात करूँ तो लास्ट के जो 6 मुकाबले हैं वहाँ पर अगर आप देखोगे टोटल 8 विकेट है और बल्ले से भी 0, 4, 14, 52 नॉट आउट है। तो ये ऐसा बंदा है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी करता है। बलजिंदर राम के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ये पावर प्ले का बॉलर है। ज़्यादातर आप देखोगे कि पहला और तीसरा ओवर डालता है और अपना काम ख़त्म कर देता है, बैटिंग ये नीचे ही करता है। लास्ट मैच में जरूर ओपन किया था, लास्ट के 6 मैच में 2 विकेट, बल्ले से 27, 12, 1 और 28 नो डाउट है। परविंदर सिंह कुछ खास रहा नहीं है इनका, पहला मुकाबला जरूर अच्छा था, बाकी जो लास्ट के 6 मुकाबले हैं वहाँ पर अगर आप देखोगे 0, 9 बैटिंग, 19 नो डाउट, 0, 4, 9 बैटिंग है। वरिंदर वीरक की बात करूं, ये एक इम्पॉर्टेंट पिक है विकेट कीपिंग सेक्शन से, क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शन में इनके अलावा जो पिक हैं वो उतने खास हैं नहीं, रोशन सिंह वगैरह, तो ये इम्पॉर्टेंट है। 12 है, 36 नो डाउट है, 53 नो डाउट है, 0, 4, 9 बैटिंग है। फिर आएंगे ऐसे हरजोत शहोता, देखो 2 मैच खेलाए, पहले में इसने बॉलिंग नहीं करवाई थी, दूसरे में इसने बॉलिंग कराई जहाँ पर 2 विकेट थे, तो आज मतलब अगर ये बॉलिंग करवाता है तो फिर राहुल के ओवर कटते हैं, तो दोनों में से कोई एक ही बॉलिंग करवाएगा। गुरसेवक सिंह, देखो गुरसेवक सिंह की ना ज़्यादातर मैच में बैटिंग आई नहीं है, और जिस मैच में भी बैटिंग आई है ना इसने कम से भी कम 20 रन बना के दिए हैं। अब आप देखो 21 हैं, फिर 9 बैटिंग, फिर 20, फिर 25 नो डाउट, फिर 9 बैटिंग, तो ये एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकता है ग्रैंड लीग के पर्पज से, स्मॉल लीग में तो रिस्क रहेगा। मनदीप सिंह इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 6 मैच में 9 विकेट, बल्ले से 24, 1, 5 है। ललित कुमार, देखो लास्ट के 6 मैचेस में सिर्फ बैटिंग की है, बॉलिंग करवा नहीं रहा, 7, 9 बैटिंग, 5, 8, 9 बैटिंग। मोहम्मद बिलाल भी सिर्फ बैटिंग कर रहा है, राहुल ने सिर्फ लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं करवाई, उसके अलावा हर मैच में बॉलिंग करवाई है, लास्ट के जो 6 मैचेस हैं वहाँ पर टोटल 7 विकेट्स हैं। और गुरविंदर सिंह डेथ में आता है बॉलिंग करवाने, लास्ट के 6 मैच में 6 विकेट्स हैं। अब देखो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो है दलविंदर सिंह, बलजिंदर राम, वरिंदर वीरक, इसके अलावा देखो हरजोत शहोता थोड़ा रिस्की है, इसके अलावा मनदीप सिंह अच्छे पिक हैं, राहुल और गुरविंदर सिंह भी अच्छे पिक हैं। बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले उसके स्टैट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा। इनकी तरफ से देखो मैंने आपको जैसा कि बताया ना, पावर प्ले में आएंगे बलजिंदर राम और मनदीप सिंह, और डेथ में लास्ट मैच में आए थे हरजोत सहोता और गुरविंदर सिंह। सहोता ने सिर्फ लास्ट मैच में ही बॉलिंग करवाई थी, उसके अलावा बॉलिंग नहीं करवाई थी। बात करेंगे इनके सामने जो टीम है, बहुत सॉलिड टीम, मल की टीम, यानी कि मलो की टीम बहुत अच्छी टीम है। लास्ट के 6 मुकाबलों में से कोई भी मुकाबला इनकी टीम नहीं आ रही है, बस अब क्या होगा ध्यान से सुनना, अब ना मलो की टीम करेगी एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आपको पता है परसों फाइनल्स हैं और इनकी टीम ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है। तो मैं आपको पहले ही बोल दूं भाई, कल के भी टीटेन आपको पता है कैसे एक्सपेरिमेंट हुए थे, तो आज भी एक्सपेरिमेंट होंगे, तो आपको स्मॉल लीग बिल्कुल भी नहीं खेलना है, सिर्फ ग्रैंड लीग खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, बाकी अगर आप आफ्टर रिजल्ट मुझे ब्लेम करोगे तो उससे देखो कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि भाई, क्योंकि मल की टीम आपको खुद को दिख रहा है ना, लगातार जीती है, क्वालिफाई है टीम, एक्सपेरिमेंट करेगी, जिनको बॉलिंग नहीं मिली उनको बॉलिंग देंगे, जिनको बैटिंग नहीं मिली उनको बैटिंग देंगे, तो ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और उस चक्कर में आपका लॉस होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम करना है स्मॉल लीग में।
अमनदीप सिंह और आमिर इकरम ने लास्ट मैच में दो तीन मैच से ओपन कर रहे हैं और दोनों बहुत सॉलिड बैटर हैं ये। लास्ट के 6 मुकाबलों में अमनदीप सिंह के नाम 4 विकेट है और बल्ले से यहाँ पर 17, 14, 52, 52, 64, 44 नॉट आउट है। बहुत ही खतरनाक फॉर्म में चल रहा है। और आमिर इकरम भी बढ़िया फॉर्म में, 36 नॉट आउट, 32 और 27 नॉट आउट है। मियान साइद कुछ खास रिकॉर्ड नहीं, 0-4-15, 2-9 है। रोशन सिंह को लास्ट मैच में प्रमोशन मिला था, नंबर 4 पर आए थे, ज़्यादातर नंबर 7-8 पर खेलते हैं, 9 नॉट आउट, 1 नो बैटिंग, 0-9 है। नज़म सजाद बहुत बढ़िया ऑलराउंडर प्लेयर है, 3 मैचेस में 3 विकेट, बल्ले से 18 और 16 है, लेकिन आप रिकॉर्ड देखो 2022 में 30 मैच में 688 रन, 28 का एवरेज, 17 विकेट है। आमिर जैब, देखो आमिर जैब ना प्लेयर बहुत ही अच्छा है, लेकिन भाई प्लेयर कितना भी अच्छा हो अगर आप उसको मौका ही नहीं दोगे कुछ करने का तो क्या कर लेगा वो। अब देखो लास्ट मैच में नंबर 6 तक बैटिंग करने नहीं आए थे, ना ही इन्होंने बॉलिंग करवाई थी, और लास्ट के 6 मैच से ना इन्होंने सिर्फ 2 मैच में बॉलिंग करवाई है जहां पर 2 विकेट है, बाकी बल्ले से 29-16-18-3 है। तो अगर इनको मौका मिलता है तो अच्छा करते हैं, अब मौका ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे फिर। असीम सरवार अच्छा बॉलर है, लास्ट के 6 मैचेस में टोटल 8 विकेट है, बल्ले से 20 नॉट आउट, 59 नॉट आउट, 26, 1 रन की पारी है। जयस पोपट बहुत नीचे खेलते हैं, 7-1-1, 9 खास रिकॉर्ड नहीं। अदनान गोंडल की बात करूं, बॉलिंग लगातार 2-2 ओवर मिल रही है, लेकिन लास्ट के 4 मैच में 2 विकेट्स हैं, 2022 में 22 मैच में 14 विकेट्स हैं। सैयद मैसम का भी सेम है, बॉलिंग लगातार मिल रही है लेकिन विकेट सिर्फ 2 हैं। असद महमूद पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे, लास्ट के 6 मैच में 5 विकेट्स हैं। अब यहाँ से आप पिक कर सकते हो अमनदीप सिंह, आमिर इकरम, नजम सजाद। अब देखो आमिर जैब तो रिस्की है भाई, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग कुछ दे नहीं रहे इसको ज़्यादा। आसिम सरवार बिल्कुल होना चाहिए टीम में, अदरान गोंडल और असद महमूद को भी ट्राई कर सकते हो। बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले उसके स्टैट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे नजम सजाद, असद महमूद, डेथ के ओवर डालेंगे अदनान गोंडल, आसिम सरवार। एनालिसिस वाला जो पार्ट था इस मैच का हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की बात करूंगा तो यहाँ पर मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से वरिंदर वीरक को रखा है, बैटिंग सेक्शन से मैंने सिर्फ एक प्लेयर रखे हैं आमिर इकरम, ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने अमनदीप सिंह, मनदीप सिंह, नजम सजाद, दलविंदर सिंह और बलजिंदर राम को रखा है, बॉलिंग सेक्शन से असद महमूद, गुरविंदर सिंह, असीम सरवार और राहुल को मैंने यहाँ पर पिक किया हुआ है। कैप्टन मेरे अमनदीप सिंह, वॉइस कैप्टन मेरे यहाँ से दलविंदर सिंह है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम जो है आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना बहुत सिंपल है, एक तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल वाला आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू।